हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे एक नए वीडियो में। आई थिंक ये एनिमल हस्बेंड्री का पशुपालन का 17वां या 18वां लेक्चर होगा। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, आपका सब कवर हो गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, आपको और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये पशु चिकित्सा विज्ञान का एक लेक्चर इससे पहले आया था, जिसमें मैंने बताया था कि जीवाणु जनित रोग कौन से होते हैं, विषाणु जनित रोग कौन से होते हैं। बहुत बार एग्जाम में यही पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, कौन सा विषाणु जनित रोग है। तो बाकायदा मैंने उसका सूत्र और फार्मूला बता के बता दिया था आपको कि जीवाणु जनित रोग कौन सा और विषाणु जनित कौन सा रोग है। तो यहाँ हमने कुछ पोल्ट्री के रोग जो बहुत भयानक रोग होते हैं, पोल्ट्री में लगते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी दो तीन चार और हैं, माइनर हैं, उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, जो बहुत आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो बहुत बार पूछा जाता है, ये तीन मैंने इसमें रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा रोग का नाम, रोग के कारक, लक्षण और रोकथाम। रानीखेत बीमारी जो होती है, सबसे बहुत बार पूछ लिया जाता है यही कि रानीखेत बीमारी किस में लगता है, तो पोल्ट्री में लगता है। ठीक, न्यूकास्टल बोलते हैं। और कौन सा कारक होता है, तो पैरामिक्सो विषाणु। सबसे आपको विषाणु याद रखो, अगर ना याद रख पाओ, अगर और भी पूछ लेता है तो पैरामिक्सो करके विषाणु है या वायरस है, जिसको इंग्लिश में वायरस बोलते हैं, उसके कारण रानीखेत बीमारी पोल्ट्रियों में लगता है। ठीक, सर्वप्रथम इसका लक्षण क्या दिखाई देता है, सर्वप्रथम सर्दी और जुकाम होता है उन्हें, सर्वप्रथम सर्दी और जुकाम होता है, फिर बुखार आता है, फिर दस्त होते हैं। ठीक, फिर गर्दन मोड़कर कंधों पे ऐसे रख लेते हैं, एक तरह से शरीर को लकवा लग जाता है। गर्दन मोड़ के कंधे पर रख लेना, शरीर में लकवा लग जाना, पूरा शरीर निष्क्रिय पड़ जाना, उसके बाद खत्म हो जाना, ये किसके लक्षण है, रानीखेत बीमारी के, जो कि बहुत ही डेंजरस बीमारी है पोल्ट्री में। इसके रोकथाम के लिए क्या करेंगे, चूजों को जन्म के 2 सप्ताह के अंदर तक या अंदर कौन सा टीका देंगे, F1 का टीका और बाद में R2 का टीका लगवाएं। चूजों को जन्म के 2 सप्ताह के अंदर F1, उसके बाद में R2 का टीका लगवाएं। ठीक, अब क्या है कि आपने अगर ये सब नहीं लगवाया है और रानीखेत का सिम्टम दिख रहा है, तो उसके लिए दूसरा उपचार क्या है, चीनी में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाकर चूजों को पिलाएंगे। चीनी में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाकर चूजों को पिलाएंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका रानीखेत बीमारी लक्षण और रोकथाम। चलिए आते हैं चेचक, दूसरे पे क्या आ रहा है, चेचक फाउल पॉक्स। ये भी दूसरे नंबर पे सबसे खतरनाक बीमारी है पोल्ट्री के लिए। इसका जो कारक चेचक एवीपॉक्स वायरस के कारण फैलता है, एवीपॉक्स वायरस के कारण चेचक फैलता है। पंख रहित स्थानों पर छाले पड़ जाना, पंख रहित स्थानों पे छाले पड़ जाते हैं, जहाँ पे पंख नहीं होते वहां पे छाले पड़ जाना। आंखों में सूजन आ जाना, आंख तथा नाक से पानी आना, बाद में यही जो छाले होते हैं वो काले पड़ जाते हैं। ठीक, ये किसके लक्षण है, सब चेचक के लक्षण है, पोल्ट्री में लगते हैं। इसके लिए टीका लगवाएं, चेचक का टीका लगता है। अगर टीका नहीं लग पाया है तो छालों पर टिंचर आयोडीन लगाएं या पोटेशियम परमैंगनेट लगाएं। अगर हमने छालों पर टिंचर आयोडीन या पोटेशियम परमैंगनेट लगाएं, अगर आपने टीका लगवा लिया तो सही है। तीसरे नंबर पे आता है कुक्कुट हैजा फाउल क्लोरोसिस, या नहीं फाउल कॉलरा। ठीक, इसका जो सिम्टम्स है, पास्चुरेला एबीसीडा जीवाणु के कारण ही होता है हैजा, ये तो सबको पता होगा। अगर नहीं पता तो कभी कभी ऐसे पूछ लेता है हैजा किसके कारण होता है, तो सबको पता है जीवाणु के कारण। और इसे आपको भी मनुष्य में भी हैजा होता है, वो भी जीवाणु के कारण होता है। तो पास्चुरेला एबीसीडा, अगर ये पूछ ले कौन सा जीवाणु का वायर होता है, तो पास्चुरेला एबीसीडा, बाकी जीवाणु ही पूछ ले। इसमें क्या सिम्टम होता है, तेज बुखार आएगा। 100, वैसे पोल्ट्री का जो शरीर का तापमान कितना होता है, 107 फारेनहाइट होता है पोल्ट्री का, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है 107 फारेनहाइट बॉडी टेम्परेचर। तो 109 से 112 फारेनहाइट टॉप पहुंच जाना उनके शरीर का। सुस्ती हो जाना, चोंच तथा नथुने को तरल पदार्थ बहता रहता है, चोंच और नथुने से तरल पदार्थ निकलने लगता है, शीघ्र मृत्यु हो जाती है। किसमें, कुक्कुट हैजा में। इसके रोकथाम के लिए आपको एंटी कॉलरा वैक्सीन, इसका भी आती है, एंटी कॉलरा वैक्सीन लगवाएं।
या सीरम देना चाहिए, ठीक। उसके बाद पानी के साथ सल्फा मेथाजीन देना चाहिए, पानी के साथ सल्फा मेथाजीन देना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और हम आपको बताते हैं नॉर्मल पशुओं में कौन कौन से मुख्य बीमारी लगते हैं। अभी वीडियो में आप बने रहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ नॉर्मल पशु जो होते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, जो हम रेयरिंग करते हैं, पालते हैं, उनमें लगने वाले रोग के बारे में, मेन मेन रोग का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं आपके और बहुत डेंजरस होते हैं हमारे पशु के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, देखिए रोग के नाम के नीचे लिखा है गलघोंटू, गलघोंटू, ठीक। इसका इंग्लिश भी लिखा है। गलघोंटू जो होता है बहुत ही डेंजरस डिजीज होता है, जो एनिमल्स में लगता है। उसके लिए रोग के कारक में हम देख लेते हैं क्या होता है रोग के कारक। गाय में पास्चुरेला बेबी बोबी सेप्टिका, गाय भैंस में अलग अलग स्पीसीज बदल जाते हैं, पास्चुरेला बेबी सेप्टिका, भैंस में पास्चुरेला बुबैली सेप्टिका, क्योंकि भैंस का जो जूलॉजिकल नेम होता है बुबैलस बुबैलिस होता है, और बॉस टेरिस होता है, बॉस कैफर होता है, गाय बॉस टेरिस और बॉस कैफर गाय का होता है। तो गाय में पास्चुरेला बेबी सेप्टिका, भैंस में पास्चुरेला बुबैली सेप्टिका के द्वारा होता है, या छुआछूत के कारण फैलता है, ठीक। अब लक्षण में देख लेते हैं। सबसे पहले पशु को तेज बुखार हो जाता है, तेज बुखार हो जाता है, ठीक। गर्भ में सूजन आ जाना, मुंह से लार, नाक से रैट निकलना, ठीक। जीभ सूख कर बाहर आ जाना, जीभ बाहर निकाल देते हैं। पशु घुर घुर की आवाज़ करता, गर्दन नीचे करके और घुर घुर की आवाज़ करता है पशु, किसके लक्षण में, गलघोंटू के, ठीक। और वो सुस्त हो जाता है पूरी तरह, ये इसके किसके लक्षण है, गलघोंटू के। इसके लिए क्या करेंगे, रोकथाम के लिए बरसा से पहले गलघोंटू का कंपोजिट ब्रॉथ वैक्सीन का टीका लगवाएं, ठीक। बरसा से पहले गलघोंटू का टीका लगवाएं, वह एचएम सीरम का इंजेक्शन देना चाहिए। अगर गलघोंटू हो गया है तो एचएम सीरम का इंजेक्शन पशुओं को देना चाहिए। चलिए दूसरे नंबर पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो जीवाणु के कारण होता है पशुओं में, मैंने बता दिया था जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, इससे पहले वाले वीडियो में, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे लिखा है बैसिलस एंथ्रेक्सिस, क्या होता है इसका, काजल ऑर्गेनिज्म बैसिलस एंथ्रेक्सिस, ठीक। गाय, बैल, घोड़ा, बकरी, भेड़, इन सब में मेन ये लगता है ज़्यादा। पशु को अचानक कम जो होता है, पशु का अचानक कम या कप कपाना होता है, कप के शरीर कप कप कांपने लगते हैं, जैसे ठंडी लग जाती है लोगों को, ठीक। आंखें लाल व कान नीचे गिरा लेना, आंखें लाल पड़ जाती, कान नीचे लटक जाते हैं। खाल में सूजन आ जाना, ठीक, खाल में सूजन आ जाना, पेट में जोरों का दर्द स्टार्ट हो जाना, ये किसका है, लक्षण एंथ्रेक्स का। इसके लिए क्या करोगे, एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन और एंटी एंथ्रेक्स सीरम का टीका लगवाएंगे, ठीक। सबका टीका है, सभी का टीका है, आप लगवा सकते हैं। एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन और एंटी एंथ्रेक्स सीरम का टीका लगवाएंगे, या पेनिसिलिन का टीका लगवा लेंगे। अगर किसी ये ज़्यादातर किसी पशु में जो होता है, तो सबसे पहले इसका ही हमें पेनिसिलिन का टीका या एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन का टीका लगवा लेना चाहिए, जिससे आगे चल के समस्याएं पशुओं में ना आए। आते हैं अब नीचे, थनैला रोग, मेस्टाइटिस, ये बहुत ही डेंजरस बीमारी होती है, ठीक। इससे पशु का क्वालिटी काफ़ी प्रभावित हो जाता है। मेस्टाइटिस किसके कारण होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणुओं के द्वारा होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणुओं के द्वारा होता है। गाय, भैंस, बकरी और सुअर में फैलता है ये ज़्यादातर। इसमें क्या होता है, पशु जुगाली करना बंद कर देते हैं, पशु जुगाली करना बंद कर देते हैं। आयन में सूजन आ जाता है, ज़्यादातर ये आयन पे ही लगता है थनैला रोग। और यह रोग जो होता है पशु को बच्चा देने के बाद हमें पता चलता है, या उनमें पशु को बच्चा देने के बाद ही इसमें उभर के आता है कि ये थनैला रोग है। इसमें क्या होता है, थन सूज जाता है और वो गांठें बन जाती है, ठीक। इसके लिए भी क्या करेंगे, पेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन का टीका लगवाएंगे, पेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन का टीका लगवाना चाहिए। उसके बाद प्रोटोगान अंतःपेशी का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, प्रोटोगान अंतःपेशी का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। इसका स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए।
चलिए अभी वीडियो में आप बने रहिए, दो तीन रोग के बारे में और बताते हैं। ठीक, तो ये है बाकी के कुछ, जैसे यहाँ पे लिखा है खुरपका मुहपका डिजीज FMD, इंग्लिश में बोलते हैं FMD, खुरपका मुहपका डिजीज। ये भी बहुत डेंजरस डिजीज है पशुओं के लिए, एनिमल्स क्या, जो किसके द्वारा फैलता, विषाणु के द्वारा। और किस किस में ज़्यादातर आता, गाय भैंस भेड़ बकरी और सुअर में सबसे ज़्यादा आता है। इसके लक्षण अगर हम बात देखेंगे तो लक्षण क्या होता है इसके, पशु को सर्दी के साथ बुखार आना, यानी हम लोग को भी आती है ना कभी कभी सर्दी लगती है, बुखार आता है, ठीक, तपेदिक में या देख ले मलेरिया में। ताप जो होता है पशु का 104 फारेनहाइट से अधिक हो जाना, ताप जो होता है पशु का 104 फारेनहाइट से अधिक हो जाना। खुरो व मुंह में छाला पड़ जाना, अब खुरो व मुंह में छाला पड़ जाएगा तो और सिम्टम लिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब खुरो और मुँह में छाला पड़ जाएगा, मुँह में छाला पड़ जाएगा तो चारा खाना बंद कर देंगे, खुरों में छाला पड़ जाएगा तो चलना बंद कर देंगे, सुस्त हो जाएंगे, तो ये सब आगे लिखाने की जरूरत नहीं है। रोकथाम, वैक्सीन या टीके का प्रयोग हर तीसरे महीने पर करते रहना चाहिए, वैक्सीन या टीके का प्रयोग हर तीसरे महीने पे करते रहना चाहिए। ठीक, ये होता है आपका FMD डिजीज का, किसके कारण फैलता है, किसमें आता है, लक्षण और उसके निवारण। अब आते हैं पशु प्लेग, रिंडर पेस्ट बोलते हैं जिसको, पशु प्लेग को क्या बोलते हैं, रिंडर पेस्ट। ठीक, पशु प्लेग रिंडर पेस्ट, ये किसके द्वारा होता है, विषाणुओं के द्वारा होता है। ठीक, विषाणुओं के द्वारा होता है, गाय भैंस बकरी और सुअर में भी आता है, ये भी इसमें आता है। पशु का जो ज्वर होता है धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे पशु का जो बीमारी होता है या कह लो बुखार होता है धीरे धीरे बढ़ता है। ताप 104 से 108 फारेनहाइट पहुँच जाता है, आँखें लाल हो जाती हैं, जो गोबर होता है पहले सूखा और मोटा होता है बाद में पतला हो जाता है, ये लक्षण है इसके। बकरी जो है इसमें रोकथाम के लिए बकरी का टिशू वायरस GTV गोट टिशू वायरस वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए सभी में। ठीक, गोट टिशू वायरस का टीका लगवाना चाहिए इसके, पशु प्लेग के रिंडर पेस्ट के कंट्रोल के लिए। अब लास्ट में एक और आ जाते हैं, ऐसा है बहुत सारा, दुग्ध ज्वर मिल्क फीवर, ये भी बहुत क्वेश्चन में आता है, किसके कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है पशुओं में। ठीक, ये भी बहुत ऐसे पूछ लेता कि मिल्क फीवर पशुओं में किसके कारण होता है, तो कैल्शियम की कमी के कारण। ठीक, तो इसमें दुग्ध ज्वर है आपका, ये स्तनधारी मादा पशुओं में ज़्यादा होता है, स्तनधारी मादा पशुओं में। रक्त में कैल्शियम की कमी, ठीक, रक्त में कैल्शियम की कमी, पैराथा मोनोकुई की कमी। ठीक, अब आ जाते हैं तापक्रम सामान्य से कम हो जाना, कान तथा पैर ठंडे पड़ जाना, अत्यधिक पसीना आना, नाड़ीगत बहुत तेज हो जाना, तीव्र हो जाना, बेहोशी हो जाना या लकवा लग जाना शरीर में, ये सब इसके लक्षण है किसके, मिल्क फीवर के। अब आ जाते हैं इसके रोकथाम के लिए कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट प्रसव के तुरंत बाद, ठीक, कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट प्रसव के तुरंत बाद कैल्शियम का युक्त टॉनिक। ठीक, या तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट का टीका लगवाएंगे या प्रसव के तुरंत बाद कैल्शियम युक्त टॉनिक का उनको पिलाएंगे, प्रसव के तुरंत बाद यानी बच्चा देने के तुरंत बाद कैल्शियम युक्त टॉनिक को पशुओं में पिलाएंगे। अब एक आता है निमोनिया भी जीवाणु के कारण होता है। एक है आपका अफरा रोग में क्या होता है कि पशु जब गीला चारा ज़्यादा खा लेते हैं तो उनके गैस बन जाती पेट में, उसको निकालने के लिए आपका ट्रोकार एम कैनुला नामक एक इम्प्लीमेंट पेट में डाला जाता है जिसके कारण गैस बाहर निकाला जाता है, अफरा रोग होता है। तो ये थी मेन पशुओं से संबंधित बीमारी और इनके निवारण लक्षण और ठीक सब कुछ किसके कारण फैलता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लेना और अपना एक प्यारा सा कमेंट हमें जरूर देना कि वीडियो कैसा लगा, फीडबैक अपना जरूर देना। अब इसका ओवरऑल एक दो लेक्चर और पूरा कवर करेंगे, एक दो लेक्चर में पूरा जितना पढ़ाया मैंने सबसे अगर क्वेश्चन उठता है तो एक दो लेक्चर और कवर करेंगे। ठीक, तो वीडियो में पहली बार है, वीडियो को लाइक कर लेना और